बाद एक छोटी सी रचना, छोटी नहीं बड़ी, जेएनयू में कांड हुआ, वहां से बहुत बड़ा नेता निकलकर बाहर आया, वो भी चुनाव भी लड़ रहा है, तो उसने एक नारा दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके विरोध में मैं एक कविता लिखा हूँ और यूट्यूब में भी बहुत वो वायरल भी हो रहा है, उसको एक एक कि विश्व समूचा पूर्व काल में जम्बूद्वीप कहलाता था। भारत क्या है और क्यों, तो क्या है भारत, अखंड है भारत। कि विश्व समूचा पूर्व काल में जम्बूद्वीप कहलाता था, इंदु सरोवर जिसके पद प्रक्षालन करने आता था, हिमवान से सिंहवान तक पर्वत पहरेदार हुए, राम कृष्ण मत्स्य बौद्ध सब गोविंद के अवतार हुए, तब ब्रह्मा मनु ययाति से हमें पूर्वज का यश गान मिला, सात समंदर के समान तर हमको हिंदुस्तान मिला, सात समंदर के समान तर। बहुत तो आर्यवर्त लाने का पुनः प्रयत्न करेंगे इंशाल्लाह, भारत तुझे अखंड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भारत माता की जय। तीरथ इस पावन धरती वाले हमसे छूट गए, जो भी आए मित्र बने बनकर हमको लूट गए, लक्ष्य संयमी पुष्कर सब अजनाभ वर्ष कहलाता था, सुमेरु पर्वत के शिखर पर भगवा ध्वज लहराता था, जिसके यश गान सभी वेदों में गाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम, आज भी श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, लेकिन भारत में नहीं है। कि जिसके यश गान सभी वेदों में गाए जाते हैं, उसी राम के वंशज भी विदेशों में पाए जाते हैं, तब अपनी जन्मभूमि की खातिर न्यायालय जाना बंद करेंगे इंशाल्लाह, भारत तुझे अखंड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वह अखंड भारत जिसको पूर्वंशों ने है अलग किया, पहले पूरा भारत एक था, पूर्वंश पूर्वंश नाम के पूर्व पूर्व नाम के दो भाई हुए, वो पहले सबसे पहले भारत को खंडित किए। कि वह अखंड भारत जिसको कुरुवंशों ने है अलग किया, वह अखंड भारत जिसको मुगलों ने छीना अलग किया, वह अखंड भारत जिसमें, वह अखंड भारत जिसमें भगत सिंह ने जन्म लिया, वह अखंड भारत जिसको अंग्रेजों ने कई खंड किया, वह अखंड भारत जो सरदार पटेल का सपना था, वह अखंड भारत जिसमें तो मान सरोवर अपना था, वह अखंड भारत जिसमें अंतिम पंक्ति विदाई की, वह